यही वो जगह है जहाँ पर अकबर के नवरत्नों में तानसेन शामिल वो यहाँ बैठकर अपना राग गाया करते थे, यही वो जगह है। ये जो जगह है ना, ये जगह वो है जहाँ पर परदेश मूवी में गाना है नहीं होना नहीं होना प्यार, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। अभी जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ वो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं तालाब, अनूप तालाब, इसको चार चमन भी बोलते हैं। तो सानू भाई इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे जरा। तो देखिए सामने वाला जो चबूतरा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मंच हुआ करता था। अच्छा। इसको बोलते हैं चार चमन, इसको अनूप तालाब भी बोला जाता है। चार चमन और अनूप तालाब भी बोला जाता है। जो नौ मंत्री थे ना नवरत्न, उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन थे उनमें से। तानसेन और बैजू बावरा के बीच में वहाँ सिंगिंग हुआ करता था। बैजू बावरा उनके साथ बैठते थे यहाँ पे। तो ऐसा बताते हैं कि तानसेन जब दीपक राग गाया करते थे तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जलते थे, और बैजू बावरा मेघमल्हार गाया करते थे, उनके मेघमल्हार गाने से बारिश हो जाया करते थे। अच्छा, तानसेन के गाने से यहाँ पर दीपक और मेघमल्हार उनके गाने से बरसात हुआ करती थी। तो यहाँ जब उनका सिंगिंग हुआ करता था तो सामने वाला जो डबल स्टोरी है ना, जो सामने वाला डबल स्टोरी आप देख रहे हैं वो मेरे सामने, से बाद से अकबर अपनी रानियों के साथ में उनके सिंगिंग का भरपूर आनंद लिया करते थे। तो उस जमाने में जो आपको ये अभी जो ग्रीन कलर का जो पानी नजर आ रहा है, उस जमाने में सब पानी नहीं हुआ करता था, रोज वाटर हुआ करता था, गुलाब जल हुआ करता था। यहाँ से जब रोज वाटर की खुशबू वाली हवाएं बादशाह अकबर के बेडरूम ख्वाबगा में जाया करती थी, तो बादशाह अकबर का जो बेडरूम था उनका जो ख्वाबगा हुआ करता था, जब वो खुशबू से महकता था। ये इसमें गुलाब जल हुआ करता था उस समय, उसकी हवा से जो उसकी खुशबू थी वो बादशाह के बेडरूम तक जाया करती थी। और ये चारों ही साइड से आपको जो नीचे के चारों ही साइड से यहाँ मंत्री, यहाँ लोकल जो जनता हुआ करती थी, मखमली कलर की यहाँ कारपेट है, गलीची हुआ करते थे, उन पर बैठ कर उनके सिंगिंग का आनंद लिया करते थे। और वहाँ जो कॉरिडोर आपको जो नजर आ रहे हैं ना, बरामदे सामने जो नजर आ रहे हैं वो कॉरिडोर, बरामदे जो सामने नजर आ रहे हैं वो, उस जमाने के मंत्री लोग बैठा करते थे, उस जमाने में मंत्री लोग वहाँ बैठा करते थे और आम जनता यहाँ बैठा करती थी। आम जनता नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ आम जनता बैठा करती थी। तो चलिए अब चलते हैं फिर आगे। अभी जो हम विजिट करने वाले हैं वो बादशाह अकबर के बेडरूम के करने वाले हैं, जो मैं आपको बता दूं ये सामने तालाब है, इसमें इस वक्त तो हरा पानी है, सामने तानसेन वहाँ बैठते थे अपना राग लापते थे, और ये इधर जो है ये बादशाह का बेडरूम है। और उस तालाब में उस समय में गुलाब जल भरा होता था, जैसे हवा से गुलाब की खुशबू आती थी, जिससे कमरे के अंदर गुलाब की खुशबू हुआ करती थी। तो सानू भाई ये बादशाह अकबर का बेडरूम है, ये यहाँ सामने ऊपर ये क्या चीज़ है? ये पूरा ही बादशाह अकबर का बेडरूम हुआ करता था, पत्थर का यह बेड है। ये पत्थर का बेड है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये पत्थर का बेड है पूरा, ये देख सकते हैं जी सानू भाई। और यहाँ मखमली कलर के गद्दे हुआ करते थे जहाँ बादशाह अकबर बैठकर आराम किया करते थे। अच्छा, और चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो कि चंदन की लकड़ियों की हुआ करती थी सीढ़ियाँ, चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ये बेड है बादशाह अकबर का सोने का, और जो मैंने आपने सामने से दिखवाया था उसमें गुलाब जल होता था, वो हवा यहीं इसी बेडरूम के अंदर आती थी, जो यहाँ पूरी गुलाब की खुशबू हुआ करती थी। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये एक नाम इसको देते थे बादशाह का ख्वाबगा, ख्वाबों का महल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिलर, ये अंदर से खाली हैं, ये वाले पिलर जो हैं, जो ऊपर बरसात होती थी उसके थ्रू वहाँ पानी जो था वो पानी इन पिलरों के अंदर आके यहाँ इन नालियों में आके यहाँ बीच फर्श पे आता था, यहाँ सारे में पानी हो जाता था। और ये सामने बादशाह का बेडरूम है, और इस पानी में खुशबू करने के लिए कई तरीके के इत्र डाले जाते थे। तो सानू भाई उसको क्या बोलते थे इत्र डालने के बाद, ख्वाबगा इसका? तो इसी को बादशाह अकबर का ख्वाबगा भी बोला जाता है, ख्वाबगा, ड्रीम हाउस, सपनों का महल, ये खुशबू से महकता था, खुशबू से महकता था, सपनों का महल बोलते। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये रानी मरियम और रानी रुकैया का किचन था जो नॉनवेज था, और इसी के जस्ट सामने मैं आपको दिखा दूं इधर ये जोधा भाई, रानी जोधा भाई का किचन था। इसके अंदर का मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं, अभी पास चल के शुद्ध शाकाहारी खाने बनते थे इसके अंदर, अभी मैं चल के आपको अंदर से दिखाता हूं। ये देख सकते हैं रानी जोधा भाई की रसोई जहां शुद्ध शाकाहारी खाना बनता था। तो सानू भाई इसका अंदर से कुछ बताएंगे क्या क्या यहाँ होता था? तो ये रानी जोधाबाई का रसोई है जहाँ बादशाह अकबर ने उनके लिए बनाया था जी। तो यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी खाने बना करते थे, प्योर वेजिटेरियन, छप्पन भोग यहाँ बना करते थे, छप्पन भोग जो बना करते थे वो यहीं बना करते थे। तो जैसे कि आपको जो झुमके जैसा जो डिजाइन नजर आएगा ना ऊपर, जी 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 जी, तो ये राजस्थानी डिजाइन से है, जैसे कि कान के जो झुमके होते हैं ना, जी जी जी, ये इसको राजस्थानी डिजाइन से इसको बनाया गया है, राजस्थानी डिजाइन में इसको बनाया गया है, क्योंकि जोधाबाई वहीं से थी, राजस्थान से बिलोंग किया करती थी। जी जी जी, चलिए फिर अब हम लोग दोस्तों अब मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।